आज की डेट में दुनिया में लगभग जो है 2200 ऐसे लोग हैं जो कि बिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स जिनके पास खरबों की संपत्ति है। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के सामने आता है कि 67% लगभग जो जितने भी बिलियनेयर्स है 2200 लोगों में, वो सेल्फ मेड बिलियनेयर्स है, उन्होंने जो पैसा है वो खुद बनाया है। आज का वीडियो दोस्तों इसी बारे में होने वाला है कि अगर आप बिलियनेयर बनना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं लेट्स से, तो क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। और एक स्टडी भी हुई थी, एक ऑथर ने बुक भी लिखी थी, उसने जो है बिलियनेयर्स के इंटरव्यू वगैरह लिए थे और ये जो क्वालिटीज थी बिलियनेयर्स के अंदर जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं वो सब में कॉमन थी। तो अगर आपका एम है लाइफ में सक्सेसफुल होना, लाइफ में पैसे कमाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, लाइफ चेंज हो सकती है आप लोगों की। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं लेके आऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं ही नहीं कहता कि आपको सभी को बिलियनेयर बनना है, हो सकता है आपको उतना ही पैसा चाहिए जितने से आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए, शायद ये आपका एम हो, या शायद आपको बहुत पैसे कमाने हो ये आपका एम हो, तो वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं ये मोटिव लेके इस वीडियो में जो क्वालिटीज बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, जो भी आपकी यहाँ पे आवश्यकता है उसको अगर आपको पूरा करना है, तो ये क्वालिटीज होनी बेहद जरूरी है। तो पहले नंबर पे जो चीज आप लोगों के अंदर चाहिए और जो उन लोगों के अंदर भी थी जिन्होंने कुछ किया है, वो ये है कि वो लोग टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करते थे। अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं करते, हर काम में देरी कर रहे हैं, चीजों को टाल रहे हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे दोस्तों। अगर आप लोगों की बड़ी बड़ी कंपनीज भी चल रही है ना, करोड़ों रुपए भी आपके पास है, वो भी चले जाएंगे। टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है 24 घंटे सबके पास है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, मैं कुछ नई चीजें नहीं बता रहा, बट फिर भी आप लोग काम नहीं करते, काम में कतराते हो करने को, इसलिए आप अपना टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट करो दोस्तों, एक प्लान बनाओ, जितने भी काम आप लोगों के अगले दिन के होते हैं उसको उससे पहले वाले दिन में सारा मैनेज कर लो, लिख लो ये काम मुझे करने हैं, ताकि अगला दिन जो आपका होगा वो प्लान्ड होगा और आपके पास जो है एक एम रहेगा कि मुझे ये सारे काम कंप्लीट करने हैं, राइट। और आप जो टॉप लिस्ट में उन कामों को डाल सकते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी प्रायोरिटीज ज्यादा है। ये जो चीज है वो सभी पे लागू होती है, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी हो, टाइम मैनेजमेंट पे खासा ध्यान दो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सभी बिलियनेयर्स या फिर सभी सक्सेसफुल लोगों में होती है वो ये है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अगर उन्हें कोई चीज करनी है, उन्होंने ठान लिए तो वो करते हैं। नारायण मूर्ति को आप लोग जानते हैं, इंफोसिस के को-फाउंडर है वो। और अगर मैं आज की बात बताऊं तो नारायण मूर्ति एक बिलियनेयर है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, नारायण मूर्ति का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उन्होंने खुद बताया कि एक समय उनके पास उनके घर में फर्नीचर तक नहीं था, वो जमीन पे सोया करते थे। और आज आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खुद के दम पे खड़ी की है, राइट। तो अगर आपको कोई चीज करनी है, चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहे, दुनिया बुरा भला कह रही है आपको, आगे नहीं बढ़ने दे रही, बट अगर आपको लगता है वो काम आपके लिए सही है तो आपको वो करना चाहिए, नो मैटर बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, कोई आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, करना है तो करना है बॉस, ठीक है। तीसरी क्वालिटी जो कि बिलियनेयर्स में होती है या फिर सक्सेसफुल लोगों में होती है कि वो लोग जो है सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ऑनलाइन में हम पैसा नहीं कमा पा रहे। वो पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि पैसा ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपने काम पे ध्यान नहीं दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ये जो चीज है वो सभी पे लागू होती है। काम नहीं किया, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो वो जो मोटिवेशन थी उस काम को करने की वो भी मर गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे पैसे के लिए काम मत करो, अगर आपका पैशन है वो चीज करना अच्छा लगता है आप लोगों को तब करो। उससे क्या होगा कि अगर आप अच्छे काम करते जाओगे तो पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों ने अभी तक अभी तक कुछ सक्सेस पाई है अपनी जिंदगी में, उन्होंने अपने पैशन के लिए काम किया, या उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, या उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लाइफ में लोगों की लाइफ में चेंज ला सकता था, तभी वो सक्सेसफुल हुए, राइट। चौथी चीज मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ का ध्यान। आपकी हेल्थ ही आपकी फर्स्ट ऐसी जगह है जहां पे आप रहते हो, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो और मोटिवेटेड रहो दोस्तों, और ताकि लाइफ में आप आगे बढ़ सको। पांचवा ऐसा पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, कि जो भी बिलियनेयर्स बने हैं, सक्सेसफुल पीपल बने हैं, लोग बने हैं, वो दिखावा नहीं करते, ठीक है। करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, बट वो जो होता है ना एक बंदे का कि मेरे पास 5 रुपए नहीं आ गए, वो उछलने लग गया कि मेरे पास ये है वो है, iPhone 11 ले लिया, वो ले लिया, फलाना ढिमकाना। दिखावे पे मत जाओ, अंदर से सॉलिड बनो।
पैसा आपके पास होगा तो पैसा आपके लिए बोलेगा, आपको बोलने की या लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज भी अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट की, जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में आते हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो सिंपल सी कार चलाते हैं, मैकडॉनल्ड का जाके बर्गर खा आते हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वो 10 मैकडॉनल्ड अपने घर पे लगा सकते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं उनकी सिंप्लिसिटी। तो यार दिखावा मत करो, पैसा होगा आपके पास, अपने आप बोलेगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट दोस्तों, ये चीजें हैं अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, मैं कह रहा हूँ आप लाइफ में अभी किसी भी स्टेज में हो, आपके पास पैसे कम है या पैसे नहीं है, तब भी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एक होप जो होती है ना लाइफ में, वो कभी मत छोड़ना आगे बढ़ने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन चीजें सीखना चाहते हैं, इंटरनेट के बारे में सीखना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, बहुत सारे जो काम की ऐप्स हैं उनका रिव्यू किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें एक ही चैनल पर फ्री में पता लग पाए। अगर आप लोग चीजें जानना चाहते हो ना दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, बाकी आप हमारा चैनल चेक करें, उन वीडियोज को देखें, पूरा देखें, समझे और काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।